गठबंधन को लेकर, गठबंधन को लेकर, गठबंधन को लेकर लंबे समय से चर्चाएं चल रही थी और आप सब ने भी रह रहकर कई बार ये प्रश्न पूछा कि आप किससे गठबंधन करने जा रहे हैं। बहरहाल मैंने हमेशा इस मर्यादा को बनाए रखा कि गठबंधन की बातचीत जब तक गठबंधन के भीतर ना हो उसको सार्वजनिक करना गठबंधन धर्म की मर्यादा को तोड़ने के बराबर है। ऐसे में आप सब जानते हैं कि समय समय पर रह रहकर मुद्दों के आधार पर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने भारतीय जनता पार्टी का समर्थन किया है। पिछले उपचुनाव में भी आपने देखा हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी का समर्थन हम लोगों ने किया है। पर आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव और आगामी 2025 विधानसभा चुनाव में लोक जनशक्ति पार्टी का गठबंधन किसके साथ होगा इसको लेकर आज पार्टी के भीतर भी एक गहन मंथन हुआ है, विस्तार में चर्चा हुई है। आज सुबह केंद्रीय गृह राज्य मंत्री आदरणीय नित्यानंद राय जी आए थे, उनके साथ भी कई विषयों पर चर्चा हुई है। पर मैं पुनः मैं दोहराता हूँ, जब तक गठबंधन के भीतर अंतिम मोहर इस पे ना लग जाए तब तक कुछ भी सार्वजनिक करना उचित नहीं होगा। आज पार्टी की बैठक में पार्टी के तमाम पदाधिकारियों ने सर्वसहमति से गठबंधन को लेकर कोई भी फैसला करने के लिए मुझे अधिकृत किया है। संभवतः बहुत जल्द बैठकों का कुछ दौर और चलेगा और उसके बाद जो भी अंतिम फैसला होगा वो सार्वजनिक। आप पीछे हो जाइए, आप नीचे जाइए, नीचे आइए ना भाई, नीचे रहिए, नीचे 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 रहिए, नीचे। आप लोग नीचे जाइए, चिराग जी हमारे मजबूत नेता है, चिराग जी का फाइनल हो गया, मजबूत नेता है, चिराग जी का फाइनल हो गया, मजबूत नेता है। नीतीश कुमार का जिन्हें एक सुलझी हुई राजनीति की है वह विरासत इनको मिली हुई है, चिराग जी हमारे मजबूत, चिराग जी का फाइनल हो गया। सर केंद्र मंत्री बनाने को लेकर आप लोग प्लान कर रहे हैं क्या? सर चिराग जी बहुत अच्छे और बहुत मजबूत नेता है, अपने पिताजी के विरासत को अच्छी तरह से संभाला। चलिए।